इतनी मेहनत करी उसको एक लाइक कर। हाँ मेरे मुंह पे मार के कैमरा। हाँ क्यों हो रही है? इसने आज तक कभी काम नहीं किया था कि वीडियो के लिए काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सीरा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके पास वाला जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक कर दे। मेरे जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो गाइस, आज है रमज़ान का तीसरा दिन और तीसरी अफ्तारी। तो मैं आज सोचा कि मैं क्यों ना आज मैं अफ्तारी बनाने की कोशिश करूँ। सारी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेन जो खाना वगैरह था वो मामा ही बनाएंगी, लेकिन जो अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैंने कहा आज वो मैं बनाऊँगी, सारी नहीं आधी। तो जो भी मामा को कहूँगी क्या आज बनाने लगी, देखते पहले कि आज अफ्तारी में क्या बनने लगे, और मैं मामा से कहूँगी आपकी आज मैं ज़्यादा हेल्प करवाऊँगी। तो आई होप कि मामा से ज़्यादा ज़्यादा काम ना करवाएं, बस थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगी। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या अफ्तारी में बनता है। तो अभी चलते हैं और मामा से पूछते हैं कि आज क्या बनने लगा है अफ्तारी। अभी ये जो ये वाले आलू हैं इनको हमने बॉयल करना है, लेकिन वैसे इनका साइज़ वैसे छोटा छोटा सा ही है, छोटे छोटे से आलू। अभी इनको बॉयल करना है और फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या टास्क में। अभी मैंने इस तरह इनसे दो नारा दो कटिंग करके और फिर इसको बॉयल करने रखते हैं। तो मैंने जो जितने से अलग डन 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 करके कट कर दिया है, अब हम इसको करेंगे बॉयल। हमारे आलू जो हैं बॉयल हो रहे हैं और अब मुझे एक और काम मिला है कि मैंने कट करने आलू आलू हाँ आलू तो चिप्स की तरह कट करने, क्योंकि पकौड़े बनने हैं और साथ फ्राइज भी बनेंगी, और साथ में मैंने कट करने हैं सब्ज मिर्चे प्याज टमाटर, हाँ इतनी चीज़ें कट करनी है, कट कर कट करूँगी और फिर अभी जाती हूँ मैं इसको कट 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 करती हूँ। सो गाइस, अब मैं काटने लगी हूँ इधर आलू, पहले सबसे पहले इनको आलू को छीलूंगी और फिर इनके चिप्स 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 की तरह कटिंग करूँगी और फिर ये कट करूँगी, फिर ये कट करूँगी, और बहुत ज़्यादा कटे वाला काम है। सबसे पहले इसको छीलते हैं हम और कटर ले आ। हाँ कटर देना पैर, मुझे भूल गया, अरे कटर लेके आओ। तो मैं अब काटूंगी कटर से, मुझे भूल गया था कि कटर से भी काट सकते हैं क्योंकि काफ़ी सालों के बाद काम कर लूँगी। कोई बात नहीं, करता रही हूँ ना, बस ये बात होनी चाहिए इंसान के अंदर, नियत होनी चाहिए काम करने की। रमजान के बाद शैतान आपको नहीं मिलेगा। या ना करें, क्योंकि शैतान मुझे कह रहा था कि काम नहीं करना घर का, तो अब शैतान बंद है स्पैरो, पता नहीं क्यों स्पैरो बंद नहीं हुई है, बस वीपीएन लगा के लगता है आ गई है स्पैरो। सही ऐसे लग रहा है बर्गर बच्ची पहली बार सही ऐसा लग रहा है गाइस, बेचारी इतनी मेहनत कर। बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, उसको एक लाइक कर। इसने आज तक कभी काम नहीं किया था कि वीडियो के लिए काम कर रही है। अभी प्याज काटते रोना आएगा, आलू काटते रोने लगी है। यार तुम कौन सा कुछ कर रही हो मेरी मदद, तुम कौन? मैं बताती हूँ, मैं ऑफ कैमरा जब होगा ना मैं सब कुछ करी हूँगी, जैसे मैं कोई काम नया कर नहीं करी हूँ कैमरा ऑन करके आ जाएगी। गाइस देखिए, ये काम ही नहीं करती मैं। अमेरिका से बहन, इसको पकड़, इसको पकड़, तुमसे ना हो पाएगा। अभी स्पैरो इधर शेफ बनते हुए, स्पैरो के छोड़ो तुम, मैं काटूंगी छीलूंगी, जो तुमसे तो होना नहीं है क्योंकि ये बनाती रहती है रोजाना चिप्स फ्राई। रोजाना ही बनाती रहती हूँ ना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, मतलब रोजाना का क्या मतलब होता है कि कभी कभार। क्या बोला तूने? ये देखो, एक 10 सेकंड में मैंने छीला और इसने ये 2 मिनटों में छीला, ये एक, और वो भी नहीं सही छीला ना, क्लीन क्लीन है। अभी हमने आलू वगैरह स्पैरो ने छील दी हैं और अभी इसको कटिंग करने की, जो फ्राइज की करने की बारी है मेरी। अब स्पैरो तुमने अंदर टांग नहीं रानी, मैं जैसा की मर्जी काटूं, तुमने बस मेरा मुंह ही देखना है और कुछ नहीं करना है। हाँ तो अभी मैं इसको कटिंग करूंगी आलू की तरह शेपिंग। उसको इस तरह दरमा दरमायान दरमियान सेंटर से नहीं कट कर देना डायरेक्ट, मुझे दमरियान ही नहीं बोलना आ रहा सीरत। हाँ याद आ गया मुझे। ओह माय गॉड, वाओ, इसको किसी ने अफ्तारी बनाने के लिए कहा था, मेरा अपना आइडिया था।
सर यहाँ मालूमों का कत्ल हो रहा है। डर लग रहा है। हम खतरों के खिलाड़ी दो मिनट में मैंने काट देने होते हैं। टाइम जरा रह गया। उस बैरो कहती है तुम साइड पे हटो, मैं काटती हूँ, क्योंकि ये है चिप्स फ्राइज के एक्सपर्ट। अभी ये कटिंग करेगी क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, और मैं तब तक कट करूँगी प्याज वगैरह, और फिर मैंने असर की नमाज भी मैंने पढ़नी है अभी। नज़र लग गई थी जल्दी खा दे, तीन खाने। तेरे बस की बात नहीं। किधर गई है चूड़ी? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मामा ने भी खो के रख दिया, क्योंकि मामा ने कहा जितना देर तुमने लगानी है ना, मेरी जो अफतारी है ना रह ही जानी है, और मेरा जितना जो कटिंग वाला काम है मैंने वो कर दिया। और प्याज का भी मेरी आंखों से आंसू ही आ गए। हाँ, और मैंने कटिंग वगैरह कर लिया, और देखते हैं मुझे क्या कहते हैं। मुझे तो लगता है मामा ने कहना चल मेरा बच्चों छुट्टी का, जिससे अगर तुमने तल डाड़ी मुझे लेट ही करवाओगी। 15 मिनट्स लेटर नमाज पढ़ने के, लेकिन देखे हमारे मेरे आने तक ये जो दही भल्ले भी हैं तैयार कर दिए, साथ दही बस में डालना है, और ये पकौड़ों का पेस्ट भी रेडी कर दिया। मतलब मैं क्या करूँ, मामा ने मेरे आंसर सारा कुछ कर दिया। मामा 2x की स्पीड पे हमने सारी तैयार की, इतनी से भी ज़्यादा देर में लगाई सिर्फ कटिंग करने में, और मामा ने ये चीज़ें मेरे रेडी भी कर दी है। मामा के और हमारी स्पीड पर काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। मामा जो एक्सपर्ट कुकिंग है, तो इस वजह से मामा से ज़्यादा जल्दी से पका लेती है। अभी मैं फ्राई करूँगी मामा के साथ में पकौड़े। पहले रखते हैं हम अपने दही भल्ले। हमारी सबसे बड़ी डिश आ चुकी है, दही भल्ले टेबल के ऊपर। वाह, टेबल के नीचे रख रहे मेरे। मैंने देख रहा था, पानी आ रहा है मुंह में, खुशबू भी आ रही है, बस थोड़ी देर उसी पानी से रोजा खोल और हमें खाने दे। बदतमीज, ये बस आ जाती है मेरे साथ घूमने घूमते। मैं नहीं उसके साथ घूमनी, मैं तो खुद आई थी। वो खुद देखने आई थी इसको, दही भले को उसके मुंह में पानी आता, और बस मेरे मुंह में नहीं आया। अभी हम फ्राई करते हैं पकौड़े शकोड़े और फ्राइज वगैरह। फ्राइज करने। हमने बनाया है चिकन पुलाव, इसकी खुशबू इतनी मजे की आ रही है। इधर हमारे हो रहे हैं पकोड़े फ्राई और सपैरो। देखो दिस इज द ब्लॉगर का हाउस। ब्लॉगर का हाउस में जब मर्जी कैमरा खुल जाता है, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये इधर पकोड़ों को तक रही है। अफतारी रेडी हो चुकी है, तो अफतारी में हमारे पास ये एक चिकन पुलाव, 7 दही भल्ले और 7 पकौड़े और समोसे। और मैं ट्राई करूंगी, इन दोनों में मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे हाथ लगे हैं, हाथ नहीं है। और हमारे चामेशी भी रेडी हो चुका है, तो अभी करते हैं अफतारी। तो मैंने इधर बनाया अफतारी का प्लेटर, और अभी मैं चेक कर चुकी हूँ। मैंने अपनी जो पकौड़े समोसे और ये दही भल्ले, ये सारे मैंने बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए, लेकिन थोड़े बहुत से मैंने बनाए। अभी इसको मैं ट्राई करती हूँ किस तरह के हैं। हाँ, बने हैं। तो पहले फ्राइज मैंने बनाए, तो अच्छे कैसे नहीं बनेंगे। आलू पहले काटे थे, तू बोल है पहले इसे दे दे, करारी जो मुझे मिलनी है ट्रॉफी तू ले ले। पकौड़े ट्राई करते हैं। पकौड़े तो नहीं मैंने बनाए, पकौड़े मामा ने बनाए, बहुत अच्छे बने हैं। दे भले मामा ने बनाए, मैंने तो वैसे कुछ बनाया नहीं है, मैंने कटिंग की थी। टेस्ट तो अच्छा ही होगा इसका। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अफतारी हो गई है, मेरी नहीं सारे घर वालों की हुई है। अभी मैं बस मैं पढ़ने लगी हुई नमाज मगरिब की। तो आई होप सो गाइस आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसमें चैनल को सब्सक्राइब करते हो और साथ के बेल बटन में क्लिक करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।